ग्रंथों में एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तयते चिरंजीविनः सप्तयतान संस्मरेन नित्यम मार्कंडेय मथाष्टमम जीवेत वर्ष शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जित। इस श्लोक के प्रथम दो पंक्तियों का अर्थ है कि अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि व्यास, राम भक्त हनुमान, राम के प्रिय श्री विभीषण, कौरवों के कुल के आचार्य श्री कपाचार्य और भगवान परशुराम, ये सात महापुरुष चिरंजीवी हैं। और अगली दो पंक्तियों का अर्थ है कि यदि इन सात महापुरुषों और आठवें महर्षि मार्कंडेय का हर दिन स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग, सारी बीमारियां, सारी व्याधियां और आप 100 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। दोस्तों, हिंदू धर्म में वर्णित सात महापुरुषों को अमरत्व यानी अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वो सतयुग द्वापर युग से लेकर इस समय जो कि कलयुग चल रहा है अभी तक जीवित हैं और पूरे ब्रह्मांड में साथ ही पृथ्वी पर भी विचरण कर रहे हैं। हो सकता है आपको सातों में से किसी एक, दो या तीन का नाम पता भी हो, लेकिन सातों का नाम पता होना और सातों से जुड़ी हुई सारी अहम जानकारी होना शायद संभव ना हो। तो आपके लिए खुशखबरी है कि आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स उन सातों चिरंजीवियों के बारे में छोटी से छोटी और अहम जानकारी आपके बीच लाया है। तो आइए जानते हैं इन सात महामानवों के बारे में, जिसके बारे में माना जाता है कि वो पृथ्वी पर आज भी जीवित हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं और सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। इन महापुरुषों में सबसे पहले नाम आता है विष्णु के अवतार भगवान श्री परशुराम का। भगवान श्री परशुराम विष्णु के छठवें अवतार हैं। परशुराम के पिता ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका थी। माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: वसुमान, वसुषेन, वसु, विश्ववसु तथा राम। राम ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिवजी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना फरसा यानी कि परशु वरदान में दिया था। इसी वजह से राम परशुराम कहलाने लगे। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीयों को हुआ था, इसलिए वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया यानी तीज को अक्षय तीज या अक्षय तृतीया कहा जाता है। भगवान परशुराम राम के पहले हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। दोस्तों, एक ऐसी मान्यता भी है, परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। दूसरे महामानव चिरंजीवी हैं राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने वाले राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा था, जहां तक आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में 3 लोक नाप दिए और 3रा पैर बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे, इसी वजह से श्री विष्णु राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। तीसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्ष बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं तुम हटा दो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ हटा नहीं पाते हैं। सीता ने हनुमान जी को लंका के अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे। दोस्तों, हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण हर कहीं मिलते रहते हैं। इस पर और एक ऐसा मंत्र है जिसका पाठ करने से किसी भी भक्त को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हो सकते हैं।
इन दोनों विषयों पर हमने बहुत ही खास वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं या हमारे चैनल पे डायरेक्ट जाकर भी देख सकते हैं। और ऐसे ही रहस्यमयी, रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। चौथे चिरंजीवी महापुरुष हैं लंकाधिपति राजा विभीषण। राक्षस राज रावण के छोटे भाई हैं विभीषण। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता ना करने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। इसीलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को अमरता का वरदान दिया। पांचवे महापुरुष हैं महर्षि व्यास, ऋषि व्यास, जिन्हें की वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, सभी 18 पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और इनका रंग सांवला था, इस कारण ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिससे उनके दो पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवीर संतानहीन मर गया। तब कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीर की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से दो पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे जाकर धृतराष्ट्र और पांडु कहलाए। इनमें तीसरे पुत्र विदुर भी थे। छठवें चिरंजीवी महापुरुष हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन भी मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। ये अवतार हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। द्वापर युग में जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक किला है, इसे असीरगढ़ का किला कहते हैं। इस किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि अश्वत्थामा हर दिन इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने जरूर आते हैं। सातवें महापुरुष हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को दो शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। कृप और कृपी का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र शरदवान के वीर के सरकंडे पर गिरने के कारण हुआ था। आठवें और अंतिम चिरंजीवी महापुरुष हैं ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त थे। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप मौत को दूर भगाने के लिए किया जाता है। चूंकि ऋषि मार्कंडेय ने इस मंत्र को सिद्ध किया था,